Hello everyone, today we will discuss about our new topic that is pH scale or hydrogen and concentration. तो क्या होता है कि every solution is acidic, basic or neutral contains कि आपका कोई भी type का solution है उसके अंदर क्या होंगे आपके hydrogen ion और आपके OH negative ion में से कोई ना कोई तो जरूर होगा आपका. तो जिससे हम बता पाते हैं कि आपका acidic है, basic है या आपका neutral है solution आपका. तो उसमें क्या होगा, एसिडिटी या बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी हाइड्रोजन आयन या आपके ओएच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. कि इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होंगे आपके एसिडिक, अगर हाइड्रोजन आयन है ज्यादा होगा तो आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या फिर आपके ओएच नेगेटिव आयन है आपका ज्यादा है तो एसिडिक है, या ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है, तो उसके बारे में हम किसे बता पाते हैं, इनकी कंसेंट्रेशन से बता पाएंगे. तो जो आपके साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेनसन थे 1909 में, ये आपके डेनिश बायोकेमिस्ट थे. इन्होंने एक स्केल बनाया था जिसको हमने क्या नाम दिया था, पीएच स्केल दिया था. ये इन्होंने ये क्या बताता है आपका, ये हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बताता है किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कि इट रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए गिवन एक्वस सॉल्यूशन, कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या है. तो इसी पे बेस हमारा है ये. तो द पीएच ऑफ ए स्केल इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन इसकी कि द पीएच ऑफ ए स्केल इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर. कि जो आपका पीएच है वो क्या बताता है आपकी, वो बताएगा आपका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर. तो उससे हमें क्या बताएगा, वो पीएच बताएगा कि उस सॉल्यूशन की क्या होगी. कि सपोज कर लिया हमने एक मोल हमारे पास वाटर है, तो वो क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयंस में आपका ब्रेक डाउन होगा. तो हम क्या देखते हैं कि सपोज कर लिया हमारे पास 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल थे वाटर के, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल थे वाटर के, तो आफ्टर डिसोसिएशन वो कितने आपके जो हाइड्रोजन आयन है वो कितने होंगे 10⁻¹, और इतने ही आपके क्या होंगे OH नेगेटिव आयंस भी होंगे. तो हम देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में जो इनकी वैल्यू है 10⁻⁷, 10⁻⁷, ये क्या आपकी लगभग नेग्लिजिबल है, नियरली नेग्लिजिबल है. और यही कारण है कि जो आपका प्योर वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जब आयंस ही नहीं होंगे और आयंस ना होने की वजह से क्या होता है आपका जो प्योर वाटर है वो बैड कंडक्टर है. वो बात अलग है कि जो और वाटर होते हैं आपका, जिसको यहाँ पे हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, कि जो आपके दूसरे वाटर है उनके अंदर आयंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो नॉर्मल वाटर है वो कैसा होता है आपका गुड कंडक्टर होता है. लेकिन जो आपका प्योर वाटर है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो हमने देखा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻¹ है. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव लॉग, या आप ले लेते हैं नेगेटिव लॉग लॉग 10 लेंगे दोनों तरफ, तो उससे क्या होगा नेगेटिव लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10 10⁻¹. तो क्या होता है ये -7 है, तो ये किस क्या हो जाएगा -7 इस तरफ आएगा आपका आगे आएगा. तो देखते हैं -7 ऐसे साथ में आपके पास माइनस का निशान पहले ही है, लॉग बेस 10 × 10 ये वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कितनी है माइनस माइनस किसके बराबर हो जाएगा प्लस के, 7 × 1 क्या आएगा आपका 7 आएगा. तो आप देखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसके बराबर होता है 7 के बराबर आएगा, जब उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁷ है. तो सेम इसी टाइप से क्या होगा आपका, जब हम पीओएच निकालेंगे तो पीओएच भी कितना आएगा 7 ही वैल्यू आएगी. ये पी क्या है आपका, पी फैक्टर है. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पी फैक्टर क्या होगा नेगेटिव लॉग लॉगरिथम ऑफ एनीथिंग जो भी हम ले रहे हैं. यहाँ पे हम किसके केस में लिया, हाइड्रोजन आयन के केस में, तो हमने क्या लगा दिया ये हाइड्रोजन की. पी फैक्टर क्या है, नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 7 होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया पीएच कहा है. तो ये पीएच की वैल्यू कितनी आती है 7 आती है, जब आपकी कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁷ है. तो पीएच क्या बताती है आपकी, सिंपल हम पीएच को डिफाइन करें तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन है, जिसको हमने लिख दिया पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर.
ये सब हमने किस लिए किया? क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन आई थी 10^-7। ये सब हमने किस लिए किया? क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन आई थी 10^-7। तो हर बार किसी सॉल्यूशन को कंसेंट्रेशन से बता पाना मुश्किल था कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पीएच और पीओएच है उनको फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, जिससे हम आसानी से बता पाए कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसा होगा। तो पीएच प्लस पीओएच को हम सम करते हैं तो कितना आता है, पीएच की वैल्यू भी 7 आई थी, पीओएच की वैल्यू भी 7 आई थी, तो कितनी आती है, 14 के बराबर आती है। तो दूसरा क्या है, हम पीएच को अगर दूसरे तरीके से ड्राइव करना चाहे इसकी डेफिनेशन को, तो कैसे आएगा या फार्मूले को, तो पीएच में भी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर। देखते हैं एक्सप्रेशन से कि पीएच में भी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज, कि 10 मस्ट बी रेज नेगेटिव ऑफ द पीएच पावर टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कि क्या होगा आपका हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी, 10^-negative ऑफ पीएच के बराबर होगी। सिम वहां पे हमने क्या किया था, पीएच किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के। यहां पे हमने क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी आपकी, 10^-negative ऑफ पीएच के बराबर होगी। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं हम, तो क्या होगा आपका लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका कैसे आएगा, लॉग ऑफ 10^-negative ऑफ पीएच। जब हम इसको सोल्व करते तो क्या आएगा, ये जो है ये आगे आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ पीएच लॉग ऑफ 10। तो नेगेटिव ऑफ पीएच लॉग ऑफ 10 आता है आपका। हाइड्रोजन आयन लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसके बराबर, लॉग बेस 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमें पता है इसकी जगह 1 लिखेंगे, 1 × पीएच किसके बराबर होगा, नेगेटिव पीएच के बराबर होगा। तो ये पीएच क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन इस तरफ ले आएंगे, पीएच हो जाएगी पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जो हमने पहले बताया था उसी को। यहां पे हमने क्या किया, इसका उल्टा लेके प्रूव किया है बस उसको। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला से आप इसको ड्राइव करके बता सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि पीएच का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करके दिखाइए, तो उस दौरान आपको करना होगा ऐसे। तो इफ पीएच इज इक्वल टू 7, अगर पीएच की वैल्यू 7 होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 7 है तो अल्कलाइन होगा, और पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पीएच की वैल्यू जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, हम यहां से बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसा होगा। हमने हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को लिया है किससे, 1×10^-7 से क्या लिया है आपका, कम लिया है। तो क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कम ले रहे हैं, इससे कम कोई भी लेना है, तो हमने सपोज कर लिया 10^-5 लिया है, किसकी, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो इस फार्मूला में रखेंगे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, जो वैल्यू उसको रखेंगे, ये वाली जो वैल्यू हमने ली थी सपोज कर लिया था, हमें इससे कम लेना है, इससे कम, क्योंकि इस पे तो आपका कैसा हो जाएगा, इसके जब बराबर होगा तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, इससे कोई भी हमने कम लिया तो हमने सपोज कर लिया 10^-5। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो पीएच की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। तो हमें पता है 7 पे क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, तो और उससे कम क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। दूसरा हमने यहां पे भी देख लिया कि जो उसकी वैल्यू है कंसेंट्रेशन की वो कितनी है, 10^-7 से कम है, तो वो ऑब्वियसली कैसी होगी आपकी, एसिडिक होगी। अगर इससे ज्यादा लेते हम तो कैसा होता आपका, बेसिक होता, और ये वैल्यू किससे ज्यादा आती, 7 से ज्यादा आती। जैसे हमने पीएच को डिफाइन किया उसी प्रकार हम पीओएच को भी डिफाइन करते हैं। पीओएच क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसे आपका पीएच क्या था, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बारे में बता रहा था, तो ये किसके बारे में बताएगा आपका, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन के बारे में बताएगा ये। फिर एक टर्म आती है केडब्ल्यू, केडब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस, की जो आपके आयंस है एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयंस है उनका आयनिक प्रोडक्ट है, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, की जितने आप जो आपके आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट है, जिसको हमने क्या नाम दिया, केडब्ल्यू।
तो Kw किसके बराबर होगा, Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन की आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस की, जो आयंस उनका प्रोडक्ट है। तो टेकिंग नेगेटिव ऑफ लोग बोथ साइड, कि हम यहां पे आप सिंपल लोग भी ले सकते हैं, बाद में नेगेटिव करना पड़ेगा, या हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसको नेगेटिव लोग ले लेते हैं। तो नेगेटिव ऑफ लोग Kw, ये नेगेटिव किस लिए लिया, क्योंकि हमें पता है पीएच क्या है आपकी, पीएच नेगेटिव लोग बेस लोग ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन है, तो इसके लिए हम नेगेटिव लगा रहे हैं। आप डायरेक्ट सिंपल पहले लोग से भी ले सकते हैं, लास्ट स्टेप में नेगेटिव लगाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट नेगेटिव से लेकर चल रहे हैं। तो नेगेटिव लोग Kw इज इक्वल टू नेगेटिव लोग इसके हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। आपका एक बात और क्लियर करते हैं, हाइड्रोजन आयन और आपके हाइड्रोनियम आयन दोनों सेम ही हैं। जब आप हाइड्रोजन आयन के अंदर वाटर मिलाते तो क्या बनता है आपका, H3O पॉजिटिव बनता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन आए या आपका हाइड्रोनियम आयन आए, बात सेम ही है। तो जब हम इसको सोल्व करते तो क्या आएगा, नेगेटिव लोग हाइड्रोनियम आयन प्लस नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्लस में, ये तो आपका लोग ए बी है, जब हम उसको सोल्व करते प्रॉपर्टी को, लोग ए प्लस लोग बी बन जाती है। तो नेगेटिव ऑफ लोग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन प्लस नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन, ये प्रॉपर्टी लोग ऑफ लोग ए बी वाली लगाई है हमने, लोग ए प्लस लोग बी, उससे हमने इसको सोल्व किया है। तो क्या होगा, ये किसके बराबर होता है, नेगेटिव लोग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन पीएच के बराबर, और नेगेटिव लोग ऑफ OH नेगेटिव आयन किसके बराबर होता है, पी OH के बराबर। तो पी और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका पी Kw के, तो पी Kw इज इक्वल टू पीएच प्लस के पी OH के बराबर होगा। तो ये आपकी, ये जो आपके आ रहे हैं इनको याद रखेंगे, कई बार आपके यूज हो जाते हैं डायरेक्टली, आइडेंटिटीज जो है फार्मूला जो है। तो Kw हमने देखा था आपका हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन और आपका हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट था। अब हमने इसकी वैल्यू रखी, फाइंड आउट की थी 10^-7 इंटू 10^-7, सेम प्रोसेस करेंगे, बस अब की बार क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली फार्मूला निकालेंगे कि मैथ में किसके बराबर होगा ये टर्म्स जो है। तो नेगेटिव लोग ऑफ Kw, दोनों तरफ फिर से वही नेगेटिव लोग लिया हमने, नेगेटिव लोग ऑफ 10^-7 इंटू 10^-7, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जब हमने एक्सपेंड किया नेगेटिव लोग ऑफ 10^-7 प्लस नेगेटिव लोग ऑफ 10^-7, ये किसके बराबर आता है आपका, जब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो नेगेटिव लोग ऑफ 10^-7, ये जो पावर आ गया है माइनस सेवन, माइनस आपका पहले से ये वाला, और ये माइनस सेवन ये वाला था आपका लोग टेन, माइनस माइनस प्लस सेवन इंटू लोग टेन की वैल्यू कितनी होती है वन, तो किसके बराबर आएगा सेवन के, तो ये भी आपका सेवन के बराबर और ये भी आपका सेवन के बराबर, और ये नेगेटिव लोग ऑफ Kw किसके बराबर आता है, पी के डब्ल्यू के बराबर, तो पी के डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर। तो जब आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एड करते तो क्या आता है आपका, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, इसको हम याद रखेंगे, क्या है आपका कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू पी ओ एच इज इक्वल टू 14 के बराबर आता है। अब पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल को तो आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर भी, कि पीएच स्केल आपका क्या होता है, पीएच स्केल क्या है आपका, द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए स्केल, कि आप एसिडिटी और बेसिसिटी को एक स्केल पर डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया, पीएच स्केल है आपका। पीएच स्केल की उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 14 तक होती है आपकी, उसमें 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट होते हैं 0 से 14 तक, जिसमें जो पीएच 0, पीएच 7 और पीएच 14 है। यहां पे हम देखते हैं कि जब आपकी पीएच 7 होती है तो उस दौरान आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और जब पीएच 7 से कम होती चली जाएगी, दैट इज 6, 5, 4, 3, 2, तो उस दौरान क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, ये जो पोर्शन है आपका सारा
ये कैसा है आपका एसिडिक पोर्शन है, इस दौरान कोई भी नंबर आएगा तो आपका 7 से कम सारा क्या होगा आपका एसिडिटी होगा, और 7.1 से लेके 14 तक आपका सारा कैसा होगा बेसिक होगा, और 7 पे कैसा होगा न्यूट्रल होगा। तो जैसे जैसे आप इससे इस तरफ लेफ्ट हैंड में चले जाते जाएंगे आपका कैसा होता रहेगा सॉल्यूशन जो है एसिडिटी इंक्रीज करती जाएगी। जैसे हम बोले एक आपके पास पीएच 1 का सॉल्यूशन है और एक पीएच आपके पास 3 का सॉल्यूशन है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा तो आपका स्ट्रोंगर एसिड कौन सा होगा पीएच 1 वाला स्ट्रोंगर होगा बजाय किसके पीएच 3 के। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे आपका बेसिक करेक्टर क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा आपका। हम बोले अगर आपके पास एक 12 का सॉल्यूशन है पीएच और एक आपके पास पीएच 9 का सॉल्यूशन है, तो दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा तो आपका जो 12 वाला होगा वो कैसा होगा आपका ज्यादा बेसिक होगा। तो इस स्केल से हम क्या बता पाते हैं पीएच बता पाते हैं। इसके बाद आता है पीकेए, पीके वैल्यू। पीके वैल्यू क्या है, केए क्या होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की कोई चीज कितनी डिसोसिएट हुई है, और पीकेए क्या होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। जैसे हमने पीएच पीए पीओएच को पढ़ा था वैसे ही आपका क्या आएगा पीकेए आएगा। तो यहां पे हम क्या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के बारे में बताते हैं, तो पीकेए क्या होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, जो के क्या है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड, ऐसे ही पीकेबी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, के बी क्या है आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, बी से बेस ए से एसिड। तो यहां पे जनरलाइजेशन की है हमने क्या है कि हायर द पीकेए एंड पीकेबी वैल्यू, कि जितनी वैल्यू ज्यादा होगी पीकेए और पीकेबी की उतना ही उनका एसिडिक या बेसिक करेक्टर कैसा होगा कम होगा। कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है हम बोल दिया हमने कोई भी, एक आपके पास पीकेए 5 का है और एक पीकेए 3 का है, तो जो अगर आपको बोला जाए कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या बताएंगे आप कि जो पीकेए वाला होगा वो कैसा होगा आपका ज्यादा एसिडिक होगा, और जो पीकेए 5 वाला वो कैसा होगा कम एसिडिक होगा कंपैरिजन में इसके। कैसे कि हायर द पीकेए हायर द पीकेए वीकर विल बी द एसिड, ऐसे ही आपका किसके केस में होगा बेस के केस में भी होगा। उसके बाद आती है मेजरमेंट ऑफ पीएच, कि आप इसको कैसे मेजर करते हैं पीएच पेपर की मदद से। आपको बताया कि पीएच पेपर है या पीएच मीटर है उनकी मदद से हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं हमारे कुछ की हमने क्या कर रखा है पहले से कैलकुलेट कर रखी है पीएच, और उससे हम क्या करते हैं फिर बाद में उनको कंपेयर कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट हम क्या करते हैं पीएच पेपर और पीएच मीटर है उनसे वैल्यूज को कॉन्टेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और जैसे हमने देखा कि ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 7.3 है, ह्यूमन सलाइवा है उसकी कितनी है 6.4 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियरली क्या है ये आप देखते हो कि ये बेसिक जो आप न्यूट्रल के आसपास ही है, बहुत ज्यादा आपका बेसिक नहीं है ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी ह्यूमन सलाइवा कितनी है 6.4 के आसपास है, वो भी आप इसको बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं बोल सकते, नियरली बेसिक करेक्टर है आपका। और हम बोले 1 मोल एचसीएल सॉल्यूशन है तो उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, नियरली 0 पीएच होगी। तो हम पीएच को मेजर कर पाते हैं अलग अलग प्रकार से। अब हम कैलकुलेट एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड पीएच, की आपका पीएच और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के बारे में क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तो हम देखते हैं कि फॉर वीक एसिड ये किसके लिए होगा आपका रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एंड पीएच, किसके साथ वीक एसिड और वीक बेस के साथ आप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आपका आता है वीक एसिड के बारे में तो हमारे पास वीक एसिड लिया हमने कोई भी, जैसे HA था आपका, HA आपके पास वीक एसिड था, जब हमने उसको वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जब वाटर में डाला तो क्या हाइड्रोजन आयन बनेंगे, साथ में क्या होगा A नेगेटिव आपका एक्वस सॉल्यूशन में आपका एनायन और कैटायन में डिसोसिएट हो जाता है। जब आपके पास टाइम 0 था तो हमने सपोज कर लिया था कि एसिडिक है, उसकी कंसेंट्रेशन आपकी C है, और टाइम T पे जब इक्विलिब्रियम आता है कोई भी टाइम T पे तो जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसेंट्रेशन सी अल्फा, और जो आपका एनायन है उसकी भी क्या होती है सी अल्फा, और आपका ये कितना हो जाएगा C माइनस के सी अल्फा। तो आप क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, ये जब हमने क्या किया टाइम T
टी पे ये सी था, ये जीरो था, ये भी जीरो था, क्योंकि सारा आपके पास एज इट इज था। कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम आता है टाइम टी पे, तो क्या होता है, ये सी अल्फा फॉर्म हो जाता है, आपका कैटायन भी एनायन भी, और साथ में जो आपका एसिड था उसकी कंसेंट्रेशन कितनी रह जाती है आपकी, सी माइनस के सी अल्फा। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, सी अल्फा है, ठीक है। हमने क्या किया, नेगेटिव लॉग लिया दोनों तरफ, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ सी अल्फा के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये टर्म पीएच के बराबर है, हमने पहले पढ़ा है। तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के अल्फा, ठीक है जी। लेकिन हमें पता है कि जो आपका अल्फा क्या है, आपका डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हमें अल्फा पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट के ए बाय सी। अब ये अंडर रूट के ए बाय सी कहां से आया है आपका, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हमने पहले डिस्कस किया था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक एसिड के लिए क्या होगा आपका अल्फा, अंडर रूट के ए अपॉन सी। इसको एक बार दोबारा देखेंगे आप अपने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक तो आप ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को रिवाइज कर पाएंगे और दूसरा आप इसको आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब अल्फा की वैल्यू को हम यहां रखते हैं, तो क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ सी अंडर इनटू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। जब हम इसको कट करते हैं तो उसके बाद क्या आता है आपका, नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट के ए इंटू सी आपकी वैल्यू आती है। तो यहां पे हमने क्या किया, फॉर वीक एसिड पीएच का रिलेशन निकाला हमने किसके साथ, आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड के साथ। ऐसे हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज बेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। बेस के लिए क्या होगा आपका, बिल्कुल एज इट इज है, पहले खुद से ट्राई करेंगे, आप अपने आप से वीडियो को पॉज कर लेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको देखेंगे कैसे होगा। वीक बेस के लिए आपके पास आपने BOH कोई बेस लिया है, जब क्या होगा ये कैसे ब्रेक डाउन होगा आपका, B पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस में। तो टाइम टी पे कंसेंट्रेशन हमने क्या ली थी इसकी, जो आपका बेस था उसकी C कंसेंट्रेशन ली थी। तो शुरू में C था, ये जीरो, ये भी जीरो। टाइम टी पे जब इक्विलिब्रियम आता तो क्या होगा आपका, ये सी अल्फा बनता है, ये भी सी अल्फा बनता है, तो ये कितना होगा, सी माइनस के सी अल्फा हो जाएगा आपका। तो उसके बाद क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, सी अल्फा टेकिंग लॉग बोथ तरफ बोथ साइड नेगेटिव। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा था कि पीएच प्लस पीओएच कितना आता है, 14 के बराबर होता है। कुछ समय पहले ही हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि पी के डब्ल्यू किसके बराबर होती है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीएच किसके बराबर हो जाएगा, 14 माइनस के पीओएच, ठीक है। हम पीएच की फॉर्म में क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है पीएच की वैल्यू। दूसरा क्या था, यहां पे हम रिलेशन ही बता रहे हैं किस किस का, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, पीएच का, तो आसानी से हम समझ पाते हैं इसको। तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस के पीओएच, 14 माइनस के पीओएच क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ, इसको हम लिखते हैं नेगेटिव लोगो OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन किसका, नेगेटिव लॉग ऑफ सी अल्फा के बराबर। तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया POH किसके बराबर, ये किसके बराबर होता है आपका, POH बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ सी अल्फा के बराबर। तो हमने लिखा 14 माइनस के माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, माइनस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन किसके बराबर है आपका, लॉग ऑफ सी अल्फा के बराबर, यहां से लॉग ऑफ सी अल्फा। और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट के बी बाय सी। फॉर वीक बेसिस कहां से आया आपका, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। तो अल्फा की वैल्यू हम यहां पे रखते हैं 14 प्लस के लॉग सी इंटू अंडर रूट के अपॉन सी। तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 14 प्लस के लॉग ऑफ अंडर रूट के बी इंटू सी के बराबर आपकी वैल्यू है वो आ जाती है। तो यहां पे हमने देखा कि जो आपका पीओएच है या बेसिस है उसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपका वीक बेसिस के लिए जो पीएच और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिलेशन है उसकी वैल्यू क्या आती है, दिस वैल्यू आपकी आती है, पीएच इज इक्वल टू 14 प्लस के लॉग ऑफ अंडर रूट के बी इनटू सी के बराबर आती है।